Hello students, welcome back to your science class. We'll be starting with where we left the last time. So we were talking about the photosynthesis and how do plants make their own sugars or carbohydrates. But we were yet to discuss that how do plants obtain the other nutrients or the nutrients other than carbohydrates, which include your... one more thing. We also discussed about the minerals, right? If you remember, I told you minerals means whatever can be mined from the... whatever the soil can provide is called minerals. Okay, so the plants derive or they get the minerals. Derive matlab kahin se nikalna, theek hai? कहीं से निकालना कोई चीज़ को उसको बोलते हैं डीराइव. ठीक है, सो इफ आई से हाउ डू द प्लांट्स डिराइव मिन माइन मीन्स माइन करना मिनरल्स. ओके, सो इट्स फ्रॉम द सॉइल. रूट्स सक यानी वो अंदर सक करते हैं, वो अंदर ही उसको सोख लेते हैं. ठीक है, उसको पी लेते हैं पानी के साथ. दे टेक इन द मिनरल्स. मिनरल्स में आपको मैंने दो मिनरल्स बताए थे, वन ऑफ विच इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन ठीक है, इसको मैं N लिख रही हूँ. एंड दूसरा बताया था फॉस्फोरस, ठीक है, इसको मैं P लिख रही हूँ. ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो कि प्लांट्स को मोस्टली सॉइल से मिलते हैं. ठीक है, नाइट्रोजन आपको बताया था किस लिए यूज़ होती है, फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, राइट? प्रोटीन्स, प्रोटीन्स विच इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट. ठीक है, और जो फॉस्फरस है मैंने आपको इसका नहीं बताया था. मेनली फॉस्फरस यूज़ होता है, आपने देखा होगा जो एक सेल होता है उसके अंदर ब्लैक डॉट मैंने बताया था, ये क्या है, न्यूक्लियस, राइट? आई टोल्ड यू दैट दिस ब्लैक डॉट इज़ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस, NUCLEAS, न्यूक्लियस. ठीक है, ये कह सकते हैं कि ये जान है सेल की, इसके बगैर सेल रहेगा ही नहीं. ठीक है, ये है सेल की जान है. ठीक है, जैसे हमें हम बोलते हैं हमारे अंदर जान ही नहीं है, हम ठीक है, तो अगर हम जान नहीं होगी तो हम कैसे रहेंगे. ठीक है, तो समझ लो न्यूक्लियस है उस सेल की जान है. अब न्यूक्लियस के न्यूक्लियस बनाने में, ठीक है, न्यूक्लियस किससे बनता है, फॉस्फोरस से. ये समझ लो न्यूक्लियस बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉस्फोरस. ठीक है, इतना समझ लो. तो इसलिए फॉस्फोरस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, नाइट्रोजन का मैंने आपको बता दिया जो कि प्रोटीन्स के लिए होता है. तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि आखिर प्लांट, देखो कार्बोहाइड्रेट्स तो वो फोटोसिंथेसाइज करके बना लेता है, बट वेयर डज इट गेट और वेयर डज इट डिराइव द अदर मिनरल्स विच वी दैट इज़ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दैट इज़ अदर मिनरल्स फ्रॉम. ठीक है, तो द आंसर इज़ कि सॉइल से उसे मिलेगा. ठीक है, ये चीज़ हो गई मिनरल्स की. अब रूट्स से मिनरल्स अंदर सोख होते हैं. अब क्या होता है कई बार कि फर्टिलाइज, आपने सुना होगा कि कई बार क्या होता है, अपने जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, अब अपने गांव में भी गए होगे तो आपने देखा होगा कि आपकी फैमिली में जो आपके फादर्स हैं जो भी हैं वो कल्टीवेट, उनकी लैंड्स होती हैं, ठीक है, ज़मीनें होती हैं जहाँ पर उन्होंने ऐसे 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 करके बहुत सारे प्लांट्स उगाए होते हैं. ठीक है, ये बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं यू. ठीक है, आप देखोगे पूरी पूरे ऐसे 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 खेत होते हैं. खेत, आपने खेत पता होगा आपको, जिस पर आपने बहुत सारे आपने देखे होंगे कि आपके फादर्स जाके, आपके जो भी आपके फैमिली मदर फादर सब लोग जाके वहाँ पे सीड्स बोते होंगे, है ना, गांव में, और वहाँ पे खेत में वो लोग उसको उगाते होंगे. ठीक है, गेहूं की खेती करना, चावल की खेती करना, ठीक है, जैसे कि ये सारे प्लांट्स हैं. ठीक है, तो इनकी खेती करने के लिए बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं सॉइल में. सॉइल में कई बार क्या होता है, अब सॉइल में क्वेश्चन ये था मेरा कि सॉइल में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आता कहाँ से है. ठीक है, अब कोई उसमें डाल के, तो इसमें अब देखो दो तरीके से आता है. पहली बात, एक होता नेचुरली, ठीक है, नेचुरली यानी खुद से अपने आप हो रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं. वो कैसे हो रहा है कि कुछ ना ऐसे कुछ ऐसे छोटे छोटे ना कुछ ऐसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको
बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया हम बोलते हैं ना, बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया दीज ऑल्सो आर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि लिविंग होते हैं, हमें दिखते दिखते नहीं है, वी कैन नॉट सी देम फ्रॉम आर नेकेड आइज, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये हमें नहीं दिखते हैं, ये बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, ये आपको या तो आपको ये गोल गोल होंगे, अगर आप इसे ये मैग्नीफाइंग ग्लास से भी आपको नहीं देखेंगे, इसको आपको इस इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग शेप्स के होते हैं, कुछ होते हैं गोल, कुछ होते हैं ऐसे लंबे, ठीक है, ऐसे लंबे लंबे होते हैं, कुछ होते हैं जो कि कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग शेप्स होती हैं इनकी। अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं इनको गोल समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो गोल बैक्टीरिया, अब मैं आपको ये बताई थी, कोई भी ऑर्गेनिज्म, आप ये चीज़ को समझो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर लाइव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है कोई तो उसको हम ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। आपको मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट तो नहीं, मैं एक वीडियो मैंने इसमें जो डाला था, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का मैंने उसमें मतलब बताया था, जो मैंने फर्स्ट पार्ट डाला था इस चैप्टर का, ठीक है, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है, दिस इज़ द थर्ड पार्ट। तो मैंने जो फर्स्ट पार्ट डाला था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्गेनिज्म होता क्या है। तो ऑर्गेनिज्म कोई भी लिविंग क्रिएचर होता है, ठीक है, विच कैन लिव ऑन इट्स ओन, जो कि लिविंग बींग है, ठीक है, चाहे वो हम हैं, ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, वो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ होती है जिनको हम बोलते हैं माइक्रो, जिसका मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, स्मॉल, इतना स्मॉल कि वो हम उसे अपनी आई से ना देख सके, हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए हो। माइक्रोस्कोप का खुद का मतलब, माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है, माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप का मतलब होता है एक, स्कोप मतलब होता है डिवाइस, मतलब कोई भी ऐसी डिवाइस, जैसे मोबाइल एक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, हम लोग बोलते हैं एक डिवाइस है, कोई भी एक एक मतलब एक मशीन समझ लो, या फिर एक तरह का एक मशीन समझ लो फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, विच हेल्प्स अस इन लुकिंग एट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स विच वी कैन नॉट सी फ्रॉम द नेकेड आई, ठीक है। एक होता है माइक्रोस्कोप, एक होता है टेलीस्कोप, जो कि प्लैनेट्स को देखने के लिए यूज़ होता है, यानी फार्दर ऑब्जेक्ट्स, उनको भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। अगर हमें किसी स्टार को देखना है, ठीक है, हम स्टार को बहुत ही छोटे दिखेंगे वो हमें, लेकिन अगर हमें उन्हीं को अगर हमें बड़े फॉर्म में देखना है, ठीक है, या फिर अगर मून को हमने बड़े फॉर्म में देखना है, तो उसके लिए हम लोग दूरबीन यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा दूरबीन, यानी जिसे बायनोक्यूलर्स बोलते हैं, कुछ ऐसी होती है दूरबीन, ठीक है, कुछ ऐसी दूरबीन होती है, ये ऐसे ग्लासेस लगे होते हैं उसके आगे, ठीक है, ऐसे ये ऐसे ग्लासेस लगे होते हैं, इसको बोलते हैं दूरबीन, यानी दूर की चीज़ें देखने के लिए। वैसे जो आपका टेलीस्कोप होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये ऐसे एक स्टैंड सा होता है, यहाँ से आप देख सकते हो, ये आपकी आईज है, ठीक है, दिस इज़ योर आईज, ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे सपोज़ कोई प्लैनेट है तो आपने यहाँ से देखोगे तो आपको ये बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो टेलीस्कोप का मतलब बड़ी चीज़ें जो हैं उनको आप बेसिकली, जो बड़ी चीज़ नहीं, जो दूर की चीज़ें हैं जो आपको नहीं दिख रही है, ठीक है, उनको देखने के लिए आप टेलीस्कोप यूज़ करते हो। टेली, TEL, टेलीविज़न में जो होता है टेली, टेलीस्कोप, SCOPE, स्कोप मतलब होता है कोई भी डिवाइस, ठीक है। उसी तरह ये थी दूर की चीज़ें देखने के लिए जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखेंगी, ठीक है। अब उसी तरह जो माइक्रोस्कोप होता है, आपको नेकेड आई से जो चीज़ नहीं दिखती है उसके लिए आपको एक स्पेशल डिवाइस यूज़ करनी पड़ती है। अगर मैं मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करूं, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, द वेरी मीनिंग ऑफ द वर्ड मैग्नीफाई का मतलब होता है छोटी चीज़ को बड़ा दिखाना, ठीक है। मैं कोई भी छोटी चीज़ है जो मुझे नेकेड आई से नहीं दिख रही है, मुझे उसे बड़ा देखना है, ठीक है। अब मैं कैसे देखूंगी उसका, उसका कैसी बनावट है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मैं कैसे देखूंगी, मुझे कोई तो चीज़ चाहिए ना। तो एक डिवाइस, कोई भी डिवाइस, यानी कोई भी ऐसी ऐसी कोई भी चीज़ जिससे, जिसके ज़रिए, ठीक है, एक ऐसी मशीन, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके ज़रिए मैं उसे बड़ा देख सकूँ,
ठीक है, आपका जो चश्मा है वो भी एक तरह का डिवाइस है कि आपको जो चीज़ अपनी बिना चश्मे के जो आपको चीज़ क्लियर नहीं दिख रही है, चश्मे से आपको वो चीज़ क्लियर दिख रही है। यानी चश्मा इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ मेकिंग यू सी थिंग्स क्लियर, ठीक है। उसी तरह जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ठीक है, जो मैग्नीफाई का मतलब होता है छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, तो बीच में आपकी एक ग्लास आ जाएगा। या आपने मैग्नीफाइंग ग्लास अगर पकड़ा होगा, ठीक है, तो आपकी ग्लास आ जाएगा कि और ये है ऑब्जेक्ट, ये इसका रियल रियल उसका इमेज है और रियल उसका साइज़ है, ठीक है। दिस इज़ अ रियल यानी एक्चुअल साइज़, एक्चुअल रियल और एक्चुअल मतलब जो रियलिटी में, मतलब जो सही में जितना एग्जिस्ट करता है एक्चुअली, ठीक है, ये वो उसका साइज़ है। और उसको अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखेंगे तो वो बड़ा होके कुछ इस तरह का दिख जाएगा, और ये हमें नेकेड आई से बहुत ही अच्छे से विजिबल है। ये हमारी आईज़ है, ठीक है, ये हमारी आईज़ है, हम यहाँ से देखेंगे तो हमें यही छोटी चीज़ बड़ी दिखेगी। उसी तरह जो माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप, ठीक है, अभी के लिए मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि कुछ इस तरह से आप समझ लो होता है, ठीक है। एक सेकेंड, ऐसे एक लेंस होती है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि ऐसे एक और लेंस होती है, फिर एक और लेंस होती है, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका ये स्लाइड होता है, यहाँ पे आप ना रखते हो कोई भी चीज़ को, जिस चीज़ को आपने देखना है उस चीज़ को आप यहाँ रखोगे। ये डॉट मैंने यहाँ रख दी, ठीक है, आपको उसे बड़ा करके देखना है। नीचे इसका होगा स्टैंड, ठीक है, ये इसका स्टैंड हो गया। तो ये आपका बेसिकली हो गया माइक्रो, मतलब छोटी चीज़ को बड़ा दिखाना। ये भी बेसिकली मैग्नीफाई कर रहा है, ये जो लेंस है ये मैग्नीफाइंग ग्लास का काम कर रहा है, यानी छोटी चीज़ को बड़ा दिखाएगा। तो आप जब इस लेंस में से देखोगे तो आपको यही जो छोटी डॉट है वो आपको बड़ी दिखेगी, ठीक है। अब वो डॉट कुछ भी हो सकती है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है या वो कोई और चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि मैग्नीफाइंग ग्लास का क्या काम होता है कि कोई भी छोटी चीज़ को बड़ा दिखाना। तो ये पूरा जो है ये है माइक्रोस्कोप। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो मतलब ये कोई भी छोटी चीज़ जो कि आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया बैक्टीरिया, ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। और आप जैसे दही खाते हो तो दही के अंदर ना बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, वो गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे लिए अच्छे होते हैं, ठीक है, बट हमें वो दिखते नहीं हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। अगर हम उन्हीं को माइक्रोस्कोप के अंदर माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखेंगे तो वो हमें कुछ ऐसे ऐसे डॉट्स डॉट्स दिखेंगे, लेकिन हम नेकेड आई से अगर देखेंगे तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, हमें बस एक छोटा सा ऐसा सोल्यूशन सा है वो दिखेगा, ऐसे छोटे छोटे वो मतलब दिखेंगे, मतलब आपको पता ही लगेगा कि वो बैक्टीरिया है क्या है, कुछ नहीं पता लगेगा आपको, नेकेड आई से आपको नहीं दिखेंगे। तो बैक्टीरिया क्योंकि बहुत इतने छोटे होते हैं कि हमें उनसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसीलिए हम उनको ऑर्गेनिज्म तो वो हैं क्योंकि वो लिविंग हैं, ठीक है, वो अपना काम करते हैं, दे आर लिविंग, तो इसलिए हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटा सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म, एंड ऑर्गेनिज्म यानी अ लिविंग बीइंग विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। थ्रू का मतलब बताया था बाय, थ्रू, ठीक है, थ्रू नेकेड आइज, नेकेड मतलब खुली आँखों से, नेकेड आइज। कोई भी चीज़ अगर खुली होती है, नंगी होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नेकेड। नंगी चीज़ होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं नेकेड, ठीक है, अगर वो ढकी हुई नहीं होती है, कोई भी चीज़ ढकी हुई नहीं होती है तो उसको नेकेड बोलते हैं, ओके। तो जैसे आइस है, नेकेड आइस से हम लोग यानी बिना किसी डिवाइस यूज़ किए हुए, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो चाहे वो मैग्नीफाइंग ग्लास हो, या अगर हम उसे बिना यूज़ किए हुए अगर हम कोई चीज़ नहीं देख सकते हैं तो उसे हम बोलेंगे कि वी कैन नॉट सी दैट थिंग थ्रू आर नेकेड आइज, ठीक है।
अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है छोटा ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी फ्रॉम आर नेकेड आइज. आई होप दैट्स क्लियर. ठीक है, तो नाउ लेट्स रिटर्न टू वेयर वी वर. हम लोग बैक्टीरिया, हम लोग बात कर रहे थे कि सॉइल में कहाँ से नाइट्रोजन और फॉस्फरस आता है. हम नाइट्रोजन की पहले बात कर रहे हैं. तो मोस्टली ऐसे होता है, जैसे आपने देखा होगा कि वाटर साइकिल नाम की चीज़ होती है. चलो वाटर साइकिल छोड़ो, आप ये समझो कि जैसे ये सॉइल है आपकी, ठीक है, इसमें ना ऐसे बहुत सारे, इसमें अगर मैं ऐसे बना देती हूँ, बहुत सारे बैक्टीरिया बना दिए मैंने, ठीक है, उसके अंदर ना बहुत सारे अच्छे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर, जिनका काम होता है, ठीक है, नाइट्रोजन को बनाना. ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया हैं इनको, इनका काम है टू सिंथेसाइज. मैंने इसको सिंथेसाइज का मतलब बताया था, टू मेक सिंथेसाइज. ठीक है, सिंथेसाइज, सिंथेसिस मतलब होता है कोई चीज़ अगर बन रही है मतलब उसका सिंथेसिस हो रहा है. ठीक है, सिंथेसिस हो रहा है. सिंथेसाइज मतलब बनाना. ठीक है, कोई चीज़ को बनाना इज सिंथेसाइजिंग, सिंथेसाइजिंग इज सिंथेसाइज. ठीक है, अगर कोई चीज़ सिर्फ बन रही है, अपने आप ही बन रही है, कैसे बन रही है वो नहीं पता हमें, तो उसको हम सिंथेसिस बोलेंगे कि भाई उसका सिंथेसिस हो रहा है, मतलब वो चीज़ बन रही है. लेकिन अगर वो चीज़ बनाई जा रही है, मतलब वो सिंथेसाइज किया जा रहा है उसको, यानी बनाया जा रहा है. तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सिंथेसिस एंड सिंथेसाइज. ओके, सो व्हाट डिड वी गेट दैट, ये जो ब्लू कलर में डॉट्स बनाई हैं इनको आप बैक्टीरिया समझ लो. बैक्टीरिया, दे आर ऑल्सो गुड बैक्टीरिया. ठीक है, विच हेल्प इन मेकिंग, और विच बेसिकली ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया जो एयर होती है, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं एटमोस्फेरिक, एटमोस्फेयर पता है ना आपको क्या होता है, जो एयर होती है आपके आसपास, ये सारा एटमोस्फेयर है जिसमें एयर है. ठीक है, एटमोस्फेयर जिसमें एयर, सारी तरह की गैसेज होती हैं. ठीक है, एयर में आपकी ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ठीक है, आपकी नाइट्रोजन भी होती है, और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं. तो नाइट्रोजन एयर में भी पाई जाती है. ठीक है, एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है. लेकिन जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू अंदर बाहर जा सकती है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था. ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू नाइट्रोजन अंदर बाहर, सॉरी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर जा सकती है प्लांट के, है ना. लेकिन जो नाइट्रोजन है वो स्टोमेटा के थ्रू नहीं जाती है. ठीक है, स्टोमेटा आपको बताया था, ऐसे स्टोमेटा होते हैं ऑन द लीव्स. ठीक है, जो कि माउथ होता है, पोर होता है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर जा सकती है, और जो वाटर है वो बाहर निकलता है थ्रू ट्रांसपीरेशन. ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन कैन नॉट एंटर द प्लांट थ्रू स्टोमेटा. तो कहाँ से चलेंगे वो, कहाँ से निकलेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन भी एक मिनरल है. नाइट्रोजन एज इट इज़ एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं. मैं आपको बताया था नाइट्रोजन एक केमिकल है, तो नाइट्रोजन बहुत सारी डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स में पाया जाता है. ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे नाइट्रोजन एक फॉर्म में पाया जाता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर नाइट्रेट बनते हैं. ठीक है, या NO2. ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर एक अलग फॉर्म्स बनाते हैं, काफ़ी सारे फॉर्म्स बनाते हैं. एक NO भी होता है, एक होता है ये NH4. ठीक है, लेकिन अभी के लिए समझो कि NH4 इज़ नॉट गुड, इट इज़ टॉक्सिक टू प्लांट्स, उसको छोड़ो आप. जो बैक्टीरिया होते हैं, ये नाइट्रोजन को ऐसे केमिकल फॉर्म में, ये बेसिकली क्या करते हैं, एयर से ये लोग नाइट्रोजन लेते हैं. ठीक है, एयर से नाइट्रोजन लेते हैं. ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस, बिकॉज एयर इज़ ऑल्सो अ, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह सब होता है, एंड नाइट्रोजन एज वेल. तो नाइट्रोजन इज़ अ गैस. तो बैक्टीरिया इज़ केपेबल, यानी बैक्टीरिया इस ये चीज़ कर सकते हैं, वो केपेबल है. ठीक है, कोई चीज़ अगर हम कर सकते हैं, मीन्स वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट, हम वो कर सकते हैं. ठीक है, केपेबल, CAPABLE, capable. ठीक है, केपेबल, एबल मतलब एबल टू डू दिस, केपेबल से याद रखो कि एबल. ठीक है, वी आर एबल टू डू दिस, हमें कर सकते हैं. तो what do the bacteria do, जो बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर. ठीक है, सपोज ये मैंने बैक्टीरिया बना दिए, तो ये नाइट्रोजन इन्होंने ली अंदर. ठीक है, दे आर केपेबल ऑफ टेकिंग इन, यानी दे कैन टेक इन द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन. यानी एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन का मतलब होता है नाइट्रोजन फ्रॉम एयर. ठीक है, अगर मैं एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन की बात करूँ, एटमोस्फेरिक
नाइट्रोजन ठीक है, फ्रॉम एयर मतलब फ्रॉम एयर, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन एयर से ले लेते हैं ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं यानी चेंज कर देते हैं। कन्वर्ट का मतलब होता है चेंज करना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में बदल देना जो कि उससे बहुत ही डिफरेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी डिफरेंट हैं। जो चीज़ अगर ए थी, मैंने ए को बी में अगर कन्वर्ट कर दिया तो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बी आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए, दे आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर ठीक है। अब ए के साथ अगर मैं सी कंबाइन करूँगी तो ही बी बनेगा भाई, है कि नहीं, कोई ना कोई चीज़ कंबाइन करनी होगी तभी तो बी बनेगा, या फिर कोई ना कोई चीज़ निकालनी होगी ए में से। अगर मैं कोई चीज़ ऐड करूँगी ए में, या फिर ए माइनस सी कर सकती हूँ या फिर मैं ए प्लस सी कर सकती हूँ टू मेक बी, क्योंकि ए एज इट इज़ तो ए ही रहेगा, वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट या फिर चेंज नहीं हो पाएगा राइट। तो उसी तरह अगर मैं ए को नाइट्रोजन समझ रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और सी को अगर मान लो अगर मैं ऑक्सीजन समझ रही हूँ ठीक है, और बी को मान लो मैं एन ओ, या एन ओ से कोई भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक, जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर एक नया केमिकल बनाते हैं ठीक है, विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड थ्रू द रूट्स, बिकॉज आई टोल्ड यू रूट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द गैस फॉर्म, नीदर नाइट्रोजन कैन एंटर द प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा। सो वेयर डज द नाइट्रोजन कम फ्रॉम, इट डज नॉट कम एज इट इज़, नाइट्रोजन एन फॉर्म में नहीं आता है ठीक है, नाइट्रोजन हमेशा कम्बाइंड फॉर्म में आता है। कम्बाइंड मतलब किसी और चीज़ के साथ मिला हुआ ठीक है, किसी और चीज़ के साथ जुड़ा हुआ ठीक है। अगर मैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करती हूँ तो ये एक चीज़ हो, अगर सपोज नाइट्रस ऑक्साइड ठीक है, या नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 की अगर बात करूँ मैं ठीक है, तो इस फॉर्म में जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, एक ही चीज़ है ये, इसको हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग नहीं बोलेंगे, ये एक ही चीज़ है, ये एक अलग केमिकल बन गया है ठीक है। तो ये केमिकल जो है, ये आपको मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल देने के लिए बता रही हूँ ठीक है। तो क्या होता है कि जो रूट्स हैं, मतलब बेसिकली जो बैक्टीरिया हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी एयर से नाइट्रोजन लेकर उसको ऑक्सीजन के साथ या फिर किसी ऐसे चीज़ के साथ कंबाइन कर देते हैं जिससे कि वो इस फॉर्म में बदल जाए, जो कि रूट्स आसानी से, प्लांट की जो रूट्स हैं वो आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें ठीक है, यानी अंदर पी सकें, पानी के साथ अंदर ले सकें ठीक है, जैसे कि मिनरल्स के साथ ले सकें। तो और दूसरी बात, एक और बात कि वाटर के साथ अगर कोई चीज़ जानी चाहिए तो वाटर के अंदर सॉल्यूबल भी होनी चाहिए वो चीज़, यानी इट शुड, अगर पानी में कोई चीज़ सॉल्यूबल नहीं होगी तो पानी के साथ कैसे ट्रैवल करेगी ठीक है। मतलब अगर मैंने मान लो अगर मैंने अगर कोई अगर मैंने एक बकेट में पानी लिया है ठीक है, और मैं उसको बहा रही हूँ बेसिकली ठीक है, ये वाटर है, तो वाटर के अंदर अगर कोई चीज़ मैं डाल देती हूँ जो कि उसके अंदर सॉल्यूबल नहीं है, मान लो मैं ऑयल की बात करती हूँ ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि अगर मैं वाटर उसमें से डाल रही हूँ तो ऑयल भी उसमें से बाहर आ जाएगा, क्योंकि वाटर और ऑयल सॉल्यूबल नहीं होते हैं ठीक है, ऑयल इज़ नॉट सॉल्यूबल इन वाटर ठीक है। तो उसी तरह क्या है कि अगर जब तक कोई चीज़ वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होगी, यानी घुलेगी नहीं, घुलना, सॉल्यूबल मतलब होता है घुलना ठीक है, अगर वाटर के अंदर घुलेगी नहीं तो वो कैसे प्लांट्स एब्जॉर्ब करें, क्योंकि प्लांट्स जो रूट्स हैं वो तो वाटर तो एब्जॉर्ब करना ही करना है, उन्होंने साथ में वो चीज़ एब्जॉर्ब करेंगे जो कि वाटर के अंदर सॉल्यूबल होगी ठीक है। तो आप ये समझ लो कि जो नाइट्रोजन होती है गैस फॉर्म में ठीक है, जो कि एयर में प्रेजेंट होती है, अगर वो एज इट इज़ वाटर के अंदर चली जाए तो वो एब्जॉर्ब, वो वैसे एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी क्योंकि इट इज़ नॉट सॉल्यूबल इन वाटर ठीक है, या फिर नॉट एज मच सॉल्यूबल एज इट शुड बी फॉर द प्लांट्स टू एब्जॉर्ब इट ठीक है, इतना अच्छे से सॉल्यूबल नहीं होती है कि प्लांट्स उसे वाटर के साथ ही एब्जॉर्ब कर लें। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स सॉल्यूबिलिटी, यानी उसकी घुलावट को, उसकी ताकि वो अच्छे से मिल सके नाइट्रोजन को, एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है या फिर चेंज कर दिया जाता है, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ मिला के या फिर किसी भी ऐसी चीज़ के साथ मिला के जो कि वाटर के अंदर भी घुल सके ठीक है। तो एक बेसिकली ना क्या हो जाएगा कि एक ऐसे ये सॉइल है ना आपकी, तो यहाँ पे जब नाइट्रोजन एंटर करेगी और यहाँ पे मान लो आपके ऐसे ऐसे से बैक्टीरिया हैं ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, ये बेसिकली एक सोल्यूशन बन जाएगा फिर ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक
ऐसा एक सोल्यूशन बन जाएगा यहाँ पे ना, एक ऐसे सोल्यूशन है, ठीक है, सॉइल है ये, एक ना इसको बोलते हैं सॉइल सोल्यूशन, जिसके अंदर मैं आपको बोलूँ व्हाट इज़ सॉइल सोल्यूशन, ठीक है। तो आप ये मान लो जब सॉइल के अंदर वाटर भी हो और उसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, मिनरल्स और वाटर मिलाकर सॉइल के अंदर कोई भी वाटर सोल्यूशन, सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ लिक्विड सोल्यूशन है, कोई भी लिक्विड इज अ मिक्सचर ऑफ वन और मोर लिक्विड्स, ठीक है, इस कॉल्ड अ सोल्यूशन, वन और मोर लिक्विड्स। अब लिक्विड्स कह लो, वन और मोर कॉम्पोनेंट्स कह लो, तो इसमें वाटर भी है, इसमें मिनरल्स भी है, तो यानी सॉइल के अंदर भी एक सोल्यूशन, ठीक है। ये वो वाला सोल्यूशन नहीं है जो कि आप मैथ्स में निकालते हो, न्यूमेरिकल में निकालते हो, ठीक है, वो मतलब होता है हल निकालना, किसी चीज़ का हल निकालना, ठीक है, यानी आंसर निकालना, उसको सॉल्व करना। और ये वाला सोल्यूशन है एक ऐसा लिक्विड, ठीक है, लिक्विड, ये एक लिक्विड सोल्यूशन है। तो क्योंकि ये सॉइल के अंदर बन रहा है जो पानी और मिनरल्स के साथ मिला के, यानी नाइट्रोजन के ऐसे मिनरल्स, अभी नाइट्रोजन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, सॉल्यूबल फॉर्म में, जो पानी में घुल सके, जो आप पानी ऊपर से डालते हो सॉइल के अंदर, ठीक है, वो पानी और जो नाइट्रोजन बैक्टीरिया जो बना रहे हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके एक सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वाटर और नाइट्रोजन और भी जो मिनरल्स होते हैं, जैसे क्लोरीन भी होती है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उसको आप छोड़ो, मिनरल्स और वाटर मिलाकर बनाते हैं सॉइल सोल्यूशन, सॉइल सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन, ठीक है, तो सॉइल सोल्यूशन होता है। तो अभी से अगर मैं ये वर्ड यूज़ करूँगी सॉइल सोल्यूशन, इसका मतलब होगा कि सॉइल के अंदर जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ प्रेजेंट है, सॉइल सोल्यूशन इज़ प्रेजेंट, ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट वी आर रेफरिंग टू एज सॉइल सोल्यूशन, जो वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट है। आई होप दैट्स क्लियर। ओके, सो ये चीज़ थी कि नाइट्रोजन अब बनती कैसे और वो एब्जॉर्ब कैसे होती है प्लांट्स में, ठीक है। तो अब ये चीज़ क्वेश्चन ये है कि मान लो अगर ये बैक्टीरिया हर जगह तो प्रेजेंट होंगे नहीं, ठीक है, बैक्टीरिया आर नेचुरली अकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो हैं ये कभी कहीं पर होते हैं, कभी नहीं होते हैं कहीं पर, ठीक है, जब तक कि हम इनको ज़बरदस्ती ना डालें कहीं से उठाकर, अगर हम कहीं डाल रहे हैं इनको, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ठीक है हमें पता है कि यहाँ पे प्रेजेंट हैं बैक्टीरिया, क्योंकि हमने खुद से डाले हैं। अगर मान लो मेरे पास एक कल्चर है बैक्टीरिया का, या फिर मेरे पास एक स्टोर है, ठीक है, मैं इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत 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 सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, उसमें से कुछ निकाल के मैं डाल देती हूँ सॉइल सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, सॉइल सोल्यूशन के अंदर अगर मैं कुछ बैक्टीरिया डाल देती हूँ, ठीक है, तो वो वहीं पे रहेंगे, फिर वो अपना काम करेंगे, विच इज़ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन टू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू सॉल्यूबल नाइट्रोजन, ठीक है। और ये आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो कि नाइट्रोजन विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, ठीक है, इन टू अ फॉर्म। बेसिकली व्हाट डू दीज बैक्टीरिया डू, दे कन्वर्ट और दे चेंज, ठीक है, दे कन्वर्ट और चेंज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मैं दोबारा से लिख देती हूँ। अच्छा, इन बैक्टीरिया को बोलते क्या, मैं ये पहले आपको बता दूँ, नाइट्रोजन इनका एक ही काम होता है मेनली टू सिंथेसाइज, बेसिकली टू सिंथेसाइज प्लांट फ्रेंडली नाइट्रोजन। ओके, तो प्लांट फ्रेंडली नाइट्रोजन यानी ऐसी नाइट्रोजन विच कैन बी टेकन अप और एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, ठीक है। सो प्लांट फ्रेंडली नाइट्रोजन बनाने के लिए इनका यही काम होता है, प्लांट फ्रेंडली नाइट्रोजन बनाना। तो इन बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, आप इतना समझो, नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रोजन से आया नाइट्रो वर्ड, ठीक है, बैक्टर्स और बैक्टर, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर जो कि बैक्टीरिया से वर्ड लिया गया है, तो नाइट्रोबैक्टर ये एक ही वर्ड है,
इसको मैं आपको तोड़ के बता रही हूँ. नाइट्रोजन जस्ट कम फ्रॉम नाइट्रोजन, बैक्टीरिया जस्ट कम फ्रॉम बैक्टीरिया. मीन्स दिस बैक्टीरिया, इनका एक ही रोल है टू मेक प्लांट फ्रेंडली नाइट्रोजन. ठीक है, तो मैं आपको जो डेफिनेशन बता रही थी वो ये है. सपोज योर क्वेश्चन इज व्हाट आर नाइट्रोबैक्टर्स. ठीक है, फिर डिफाइन नाइट्रोबैक्टर्स. तो आप उसमें लिखोगे दीज आर नाइट्रोजन, या फिर ऐसे लिखो दीज बैक्टीरिया. ठीक है, ओके, सो दीज बैक्टीरिया, या फिर ये भी लिख सकते हो दीज आर प्लांट फ्रेंडली. प्लांट फ्रेंडली क्योंकि बैक्टीरिया हमेशा फ्रेंडली तो नहीं होते, राइट? बट दीज आर गुड और फ्रेंड और दीज आर गुड बैक्टीरिया और प्लांट फ्रेंडली बैक्टीरिया. ठीक है, विच टेक अप नाइट्रोजन फ्रॉम, या तो एटमॉस्फेयर लिख दो और एयर, एक ही चीज़ लिखनी है दोनों में से कुछ भी. एटमॉस्फेयर इज मच बेटर वैसे. ठीक है, एयर. ठीक है, एटमॉस्फेयर और एयर एंड कन्वर्ट और चेंज. कन्वर्ट लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. कन्वर्ट इट इंटू प्लांट फ्रेंडली नाइट्रोजन और इंटू अ फॉर्म विच कैन बी टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, ये भी ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट में बताती हूँ. ब्रैकेट में बिकॉज प्लांट्स कैन नॉट टेक अप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन इट्स गैसियस फॉर्म. ठीक है, ये आप समझ गए. तो दिस इज द रोल ऑफ नाइट्रोबैक्टर्स. ठीक है, आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ उसी तरह का. एक जो कि लेग्यूम्स होते हैं, आपको मैंने बताया था लेग्यूम्स आर स्पेशल प्लांट्स विच वी गेट दाल और पल्सेस फ्रॉम, है ना. एंड एज आई टोल्ड यू पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन विच मींस नाइट्रोजन उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगती होगी क्योंकि वो बनाता ही प्रोटीन रिच फूड है कि नहीं. यानी पल्सेस बनाता है, उसमें इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन लगती होगी. तो लेग्यूम्स को नाइट्रोजन कैसे मिलती है? ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया कि नाइट्रोबैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, एक और चीज़ होती है, आपने नाम सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं राइजो. एक ना ऐसे समझ लो एक एसोसिएशन होती है बेसिकली. ठीक है, राइजोबियम हम उसे कहते हैं बेसिकली. ठीक है, राइजोबियम, एक सेकेंड बता रही हूँ आपको. यस, राइजोबियम. ठीक है, अभी आपको मैं आगे में डिटेल में इसके बारे में बताऊँगी नेक्स्ट क्लास में. आप बस इतना समझ लो कि लेग्यूम्स, राइजोबियम भी एक तरह का बैक्टीरिया होता है. ठीक है, जो कि नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है या फिर प्लांट फ्रेंडली फॉर्म में कन्वर्ट करता है. राइजोबियम इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, तो नाइट्रोबैक्टर का एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे तो यू कैन नेम राइजोबियम एज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नाइट्रोबैक्टर्स. ठीक है, बैक्टीरिया के अलग अलग नाम होते हैं. ठीक है, जैसे जो कर्ड में पाया जाता है उसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं. ठीक है, राइजोबियम इज़ अ नेम ऑफ द बैक्टीरिया विच स्पेसिफिकली, यानी सिर्फ स्पेसिफिकली का मतलब होता है स्पेसिफिकली, मतलब विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट, मतलब एक ही चीज़ के लिए ही, वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए है, वो किसी और चीज़ के लिए नहीं है. ठीक है,
तो अगर मैं आपको बोलूं कि राइजोबियम इज़ अ काइंड ऑफ नाइट्रोबैक्टर विच एसोसिएट्स और या फिर कह लो विच हेल्प्स ओनली द लेग्यूम्स, सिर्फ लेग्यूम्स के साथ ही एसोसिएट कर सकता है वो, ठीक है, यानी सिर्फ लेग्यूम्स के साथ ही मिलकर, बेसिकली राइजोबियम लेग्यूम्स के साथ मिलकर, ठीक है, नाइट्रोजन बनाते हैं इन सॉल्यूबल फॉर्म, नाइट्रोजन इन प्लांट फ्रेंडली फॉर्म, क्योंकि लेग्यूम्स आर प्लांट, तो लेग्यूम फ्रेंडली या फिर प्लांट फ्रेंडली फॉर्म में जो राइजोबियम है, राइजो का मतलब होता है रूट, ठीक है, राइजो का मतलब होता है रूट, ठीक है, राइजोबियम, ठीक है, बी आई यू एम बियम, ठीक है, तो राइजोबियम इज़ अ काइंड ऑफ नाइट्रोबैक्टर और इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट फ्रेंडली बैक्टीरिया विच इज़ ओनली फाउंड वेयर द लेग्यूम्स आर प्रेजेंट, ठीक है, तो लेग्यूम्स के साथ ही वो मिलकर नाइट्रोजन बनाता है, ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे जो बैक्टीरिया दूसरे प्लांट्स के साथ प्रेजेंट होते हैं वो हो सकता है राइजोबियम के साथ हो या ना हो, ठीक है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, बट राइजोबियम और किसी प्लांट के साथ नहीं मिलकर नहीं आई मीन एसोसिएट नहीं करते। एसोसिएट का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ के साथ मिलकर कुछ करना, ठीक है, एसोसिएट, ठीक है, कोई चीज़ के साथ आप मिलकर उसके साथ आप टीम अप करके, बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ आप एक टीम बना के एक प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है, अब सपोज अ ग्रुप ऑफ थ्री टू फोर स्टूडेंट्स हैज़ टू मेक अ प्रोजेक्ट, ठीक है, तो आप लोग चारों स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट करके एक टीम बनाओगे, आप लोग चार स्टूडेंट्स की टीम बनाने में एसोसिएशन करोगे, मतलब आप एसोसिएट करोगे एक दूसरे के साथ, एक टीम बनाओगे, ठीक है, टू टीम अप, टीम बनाना इज कॉल्ड एसोसिएशन, टू टीम अप, ठीक है, तो बेसिकली दो पार्टनर्स भी टीम अप कर सकते हैं आपस में, ठीक है, अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी हैव टू एसोसिएट विद ईच अदर एंड मेक अ प्रोजेक्ट, ठीक है, तो आप दोनों टीम अप कर सकते हो, अ टीम कुड बी मिनिमम दो लोगों की हो सकती है, मैक्सिमम कितने भी लोगों की हो सकती है, एम आई राइट, बट ऑब्वियसली मोर देन वन पर्सन, ठीक है, तो अब पर्सन की उसमें बात हुई थी, अब मैं इसमें बात कर रही हूँ ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, एज आई टोल्ड यू बैक्टीरिया इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म बट इट्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड लेग्यूम इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनिज्म बट इट इज़ अ मैक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बड़ा ऑर्गेनिज्म, आप अभी सिर्फ ऑर्गेनिज्म समझो, माइक्रो मतलब छोटा और एक होता है मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो मतलब होता है बिग, ठीक है, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, माइक्रोस्कोप से स्मॉल याद रखना आप, ठीक है, और आई की जगह अगर ए लग गया मतलब बिग, ठीक है, तो लेकिन हम मैक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म को एक ही बोलेंगे, हम उसको मैक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो हम उसको ऑर्गेनिज्म ही बोलेंगे सिर्फ, यानी प्लांट इज़ एन ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो यहाँ पे हम दो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में एसोसिएट करके यानी टीम अप करके एक साथ नाइट्रोजन बनाते हैं। अब इसमें और पहले वाले एग्जांपल जो आपको मैं नाइट्रोबैक्टर का एग्जांपल दिया था उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर के केस में प्लांट्स का कोई रोल नहीं है नाइट्रोजन बनाने में, प्लांट्स सिर्फ बनी बनाई, प्लांट्स को मिल जाती है बनी बनाई नाइट्रोजन इन द सॉल्यूबल फॉर्म, ठीक है, यानी एक जो एक कन्वर्टिबल फॉर्म, एक जो चेंज्ड फॉर्म हो जाता है नाइट्रोजन का, ठीक है, उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स का इसमें नाइट्रोजन बनाने में यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट फ्रेंडली नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने में कोई रोल नहीं है प्लांट्स का, ठीक है, वो सिर्फ नाइट्रोबैक्टर अकेले ही करते हैं, लेकिन जो राइजोबियम है, ठीक है, वो फीड करता है प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, आपको मैं आगे इसके बारे में बताऊंगी, ये एक एसोसिएशन है, ठीक है, जो कि फीड करता है प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स से अपना न्यूट्रिशन लेता है वो और इन टर्न प्लांट्स को नाइट्रोजन देता है, ठीक है, जैसे हम प्लांट्स खाते हैं वैसे ही राइजोबियम भी प्लांट के ऊपर फीड करता है, ठीक है, उसके रूट्स में फीड करता है और उसको नाइट्रोजन बनाकर देता है इन द सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझो।
तो ये हमने सीख लिया। मैं आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन प्लांट्स सॉइल में आती कहाँ से है, आपको मैंने बताया था नेचुरली आती है एक तो, राइट, यानी खुद से आती है। नेचुरली कैसे आएगी, इट इज़ थ्रू बैक्टीरिया, ठीक है। जो अभी मैंने आपको नाइट्रोबैक्टर्स के बारे में बताया है, इट इज़ थ्रू बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन आती है सॉइल में। नाइट्रोजन गेट्स कैप्चर्ड और गेट्स ट्रैप्ड, कैप्चर्ड यानी किसी चीज़ को पकड़ना, ठीक है, किसी चीज़ को पकड़ने को कैप्चर, कैप्चर, कैप्चर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया कैप्चर नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और द एयर एंड कन्वर्टेड इनटू प्लांट फ्रेंडली नाइट्रोजन, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ हाउ नेचुरली सॉइल के अंदर नाइट्रोजन आ जाती है इन द प्लांट फ्रेंडली फॉर्म व्हिच कैन बी एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, ठीक है। जो अब क्या है कि ये बैक्टीरिया ना बहुत टाइम लगाते हैं एक्चुअली, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आपने आज ही बैक्टीरिया का आपने बैक्टीरिया इसमें डाले, ठीक है, आज ही आपने बैक्टीरिया डाले और अगले दिन ही आपको नाइट्रोजन मिल जाएगी, नो, ठीक है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन अगर आपको, मान लो अगर आपको अब जैसे एक क्वेश्चन था, ठीक है, क्लास सिक्स्थ में देर वॉज अ क्वेश्चन दैट व्हाई डू वी यूज़ मैनुअर, मैनुअर इज़ गुड, जो हमने मैनुअर वर्सेस एक हमने बात की थी मैनुअर, ठीक है, और एक हमने बात की थी फर्टिलाइजर्स की, ओके। तो अब डिफरेंस क्या है दोनों में, जो मैनुअर है वो किससे आता है, हमारा जो गारबेज है, कचरा है ना, गारबेज से आता है। तो अपना बनता कैसे है, ठीक है, गारबेज में देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया, आपको मैंने बताया था, ठीक है, जब आप उसको गारबेज को डंप कर देते हो, यानी बायोडिग्रेडेबल, यानी जो डंप कर देते हो बायोडिग्रेड, ठीक है, जब हमको डंप कर देते हैं, जब हमको सॉइल के अंदर, मान लो जो भी चीज़ सॉइल के अंदर जा रही है और वो उसमें घुल जाएगी, उसमें मिल जाएगी कुछ ही टाइम में, आपको पता नहीं लगेगा आपने इसमें क्या डाला था, ठीक है, वो अपने आप कैसे घुल रही है उसके अंदर, कोई ना कोई चीज़ तो बैठा है ना जिसको उसको उसको बेसिकली उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है, यानी उसको छोटे छोटे पार्ट्स में काट कर उसका कुछ, मतलब उसको कुछ बना रहा है, इट्स कन्वर्टिंग, ठीक है। आपने बनाना पील्स डाले थे, कुछ हफ्तों बाद आपको बनाना पील्स नहीं दिखेंगे, कहाँ गायब हो गए वो, ठीक है, वो अपने आप ही अंदर ही सॉइल में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो बनाना पील्स जैसे जो और चीज़ें होती हैं, जो वेजिटेबल पील्स होते हैं, फ्रूट के पील्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट के ही प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन वो वेस्ट प्रोडक्ट है क्योंकि हम लोग पील्स तो खाते नहीं हैं, राइट। तो प्लांट डिराइव्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो सॉइल में घुल मिल जाते हैं, ठीक है, यानी हम उनको कहते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। डिग्रेड होना मतलब ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर पार्ट्स, ठीक है, विच कैन नॉट, विच डू नॉट रिमेन एज दे वर वेन दे वर डम्प्ड इनटू द सॉइल, ठीक है। जब उसको सॉइल में हमने डाला था वो एज इट इज़ नहीं है, वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है, उसको हम लोग पहचान नहीं पा रहे कि वही पील्स हैं जो हमने डाले थे या नहीं, उसमें से बहुत ही गंदी सी स्मेल आने लगती है। अगर आप उस दिन कचरा बाहर रख दो, उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल, वो गलने लगता है, सड़ने लगता है ना, तो उसको बोलते हैं डिग्रेड होना। गलने सड़ने का मतलब ये है, इट्स गेटिंग ब्रोकन डाउन, ठीक है, ब्रोकन डाउन। ब्रोकन डाउन का मतलब क्या होता है कि वो पील्स में ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको हम लोग उसको नहीं खा सकते, लेकिन सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होते हैं कई सारे, नॉट जस्ट नाइट्रोबैक्टर, बट बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और बैक्टीरिया होते हैं विच कैन डिग्रेड दैट वेस्ट, ठीक है, दैट वेस्ट पील्स या जो भी आप डालते हो इनटू स्मॉलर ब्रोकन फॉर्म्स, ठीक है, यानी वो उसको जाके, हमें जब कुछ खाते हैं तो हमारे अंदर भी तो जाकर कटता है, राइट, कार्बोहाइड्रेट्स से, हमें कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूट्रिएंट्स बेसिकली उसमें से मिलते हैं। आपको एप्पल का एग्जांपल बताया था, एप्पल से कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट कैसे मिलते हैं, जब हम उसको चबा के खाएंगे, अंदर जाके फिर वो और पतला और छोटा छोटा कटेगा अंदर जाके, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे बॉडी के अंदर ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि उसको और फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, उसको और छोटा छोटा काट देते हैं, इतना छोटा कि वो सेल के अंदर, बेसिकली आपको बताया था ये एक टिश्यू है, ठीक है, ये एक टिश्यू है, यानी आपको स्टोमेटा वाले अगर आपने वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि ये एक टिश्यू, ये फिर एक ऑर्गन समझ लो, ठीक है,
तो उसी तरह फ्रूट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लांट ऑर्गन, जैसे कि लीफ इज़ ऑल्सो एन ऑर्गन, उसी तरह फ्रूट, तो समझ लो ये फ्रूट है, ठीक है, इट्स अ प्लांट ऑर्गन, ठीक है, विच इज़ मेड अप ऑफ मेनी टिश्यूज, ठीक है, यानी बहुत सारे फ्लोर्स, अगर आपने स्टोमेटा वाला वीडियो देखा हो तो, ठीक है, बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं उस पर, एवरी फ्लोर इज़ अ टिशू, ठीक है, टिशू बताया था, ठीक है, तो अलग अलग फ्लोर्स होते हैं उस पर, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब आप खाते हो कोई भी चीज़ को, या फिर कोई भी चीज़ जब डिग्रेड होती है या फिर ब्रोकन डाउन होती है, तो वो फ्रूट से जब हम खाएंगे चबाएंगे उसे, तो फ्रूट से पहले ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है, ये फ्रूट ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा, फिर फर्दर अब आपने एक छोटा पार्ट ये लिया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हो गए इसके, हर एक में अभी भी वो टिशू का, टिशू के अलग अलग लेयर्स हैं, है कि नहीं, ऐसे ऐसे टिशू के लेयर्स हैं, ठीक है, फिर वो फर्दर और ब्रेक डाउन होएगा, जिससे कि ये अब जैसे अगर इसमें 10 सेल्स आ रहे थे, मैं आपको बताया था एक फ्लोर पे टाइल्स जो होती हैं वो सेल्स होते हैं, यानी एक टिशू फ्लोर है और जो टाइल्स हैं वो सेल्स हैं, ठीक है, ये पूरा टिशू है, ठीक है। तो सपोज जो ब्रेकन डाउन हो गया, इसमें अगर मान लो 10 सेल्स हैं, उसको और फर्दर ब्रेक डाउन करोगे तो उसमें 3 सेल्स बचेंगे मान लो, या 4 सेल्स बचेंगे, फर्दर ब्रेक डाउन करोगे तो 2 सेल्स बचेंगे, और फर्दर ब्रेक डाउन करोगे तो 1 सेल बन जाएगा। अब हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, जितना छोटा वो काटेगी, ठीक है, या फिर अगर प्लांट बॉडी में, बेसिकली अगर प्लांट बॉडी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हमारी बॉडी की बात हो रही है, या फिर नेचर की बात हो रही है, सॉइल की बात हो रही है, बैक्टीरिया की बात हो रही है, ठीक है, तो क्या है कि कोई भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को, हमें उसको जितना छोटा काटेंगे तभी तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स बाहर निकलेंगे, है कि नहीं, अगर हम उसको बड़ा बड़े खा लेंगे तो उसके अंदर है, ये हर एक सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो द बॉडी नीड्स टू ब्रेक डाउन ईच एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी टिशू, ठीक है, इनटू एज मेनी स्मॉलर पीसेस एज इट कैन, जितने कम सेल्स होंगे ना एक एक पीस में, दिस इज अ पीस ऑफ टिशू, जितने कम सेल्स होंगे उतना अच्छे से उसमें से न्यूट्रिएंट्स बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी, ठीक है। हम बात कर रहे थे सॉइल में डिग्रेड होता है जब, ठीक है, तो अगर कुछ दिन आप ऐसे पील्स रख दो तो अपने आप डिग्रेड होने शुरू हो जाते हैं, गलने शुरू हो जाते हैं, सड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो क्यों, क्योंकि एयर के साथ जो एयर है एटमॉस्फेरिक में, वो और बैक्टीरिया जो कि हर जगह हमें दिखते नहीं है, वो एयर में भी होते हैं, वो सॉइल में भी होते हैं, हर जगह होते हैं बैक्टीरिया, बट हमें दिखते नहीं, हमारे आसपास हर जगह होते हैं, हमारे हैंड्स में भी होते हैं, ठीक है, बट हमें दिखते हैं, तभी बोलते हैं हम अपने हैंड्स रेगुलरली वॉश करने चाहिए खाने से पहले भी, ताकि बैड बैक्टीरिया हमारे अंदर ना जाएं, क्योंकि हमें तो वो दिखेंगे नहीं, राइट, ओके, सो बैक्टीरिया आर एवरीवेयर, सो वॉट हैपन्स, नॉट जस्ट बैक्टीरिया बट और भी ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया के जैसे ही हैं बट कुछ डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, कुछ ऐसे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि बैक्टीरिया हो गए या फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि एयर में भी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, तो जहाँ भी उसे एयर और मॉइस्चर यानी पानी मिलेगा, मॉइस्चर, ठीक है, कोई भी चीज़ को अगर मैं बोलती हूँ ये मॉइस्ट है, मतलब गीली है, ठीक है, मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब होता है गीला, कोई भी चीज़ अगर गीली हो तो उसको हम मॉइस्ट बोलते हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे एयर हो और गीला हो तो ठीक है, वेजिटेबल पील्स में अपना जूस होता है, मतलब मॉइस्टनेस तो होती है उनमें, उनमें जूस होता है, राइट, फ्रूट पील्स में जूस होता है ना, थोड़ा बहुत चिपचिपा होता है, वो स्टिकी होता है ना, तो क्या होता है, जितने भी बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एयर में होते हैं, ठीक है, जो हमें दिखते नहीं या फिर सॉइल के अंदर होते हैं, जब हम वही वेस्ट को सॉइल में डाल देते हैं, ठीक है, या तो आप उसे कुछ दिन बाहर रखो या फिर आप उसे सॉइल में डाल दो, तो दोनों जगह बैक्टीरिया हैं बट वो हमें दिखेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो जो वेस्ट है वो मॉइस्ट है, वो स्टिकी है, ठीक है, और फूड और जो बैक्टीरिया है उसको उसमें से फूड मिल रहा है, ठीक है, हम लोग उसमें से कुछ नहीं खा सकते बट बैक्टीरिया को उसमें से फूड मिल रहा है, ठीक है, तो वाइल फीडिंग ऑन दीज पील्स, अब फीडिंग मतलब उस पर फीड करना फॉर द खाने के लिए, उसको खाने के लिए, ठीक है, उसमें से न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए, वी फीड ऑन प्लांट्स, ठीक है, टू डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम देम, तो उसी तरह जो बैक्टीरिया है दे ऑल्सो फीड ऑन वेजिटेबल पील्स एंड जो भी हम वेस्ट डालते हैं टू डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, ठीक है, वो इसको ब्रेक डाउन करते हैं, उससे इनको भी न्यूट्रिशन मिलता है, बैक्टीरिया को भी, और सॉइल में भी न्यूट्रिशन आता है, ठीक है, तो जब बैक्टीरिया इसको ब्रेक डाउन करते हैं तब वो सॉल्युबल फॉर्म्स में रिलीज होता है, जिसको हम नाइट्रोजन
बोलते हैं या फॉस्फरस बोलते हैं, ठीक है, जो कि वेजिटेबल पील्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब कोई कचरा गल जाता है, सड़ जाता है, तो उसमें से नाइट्रोजन फॉस्फरस निकलता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी निकलते हैं, ये अपने आप कैसे निकलते हैं, ये बैक्टीरिया से निकलते हैं। चाहे उसे आप कुछ दिन बाहर रख दो, गलना सड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर नाइट्रोजन फॉस्फरस भी पैदा होना शुरू हो जाएगा और कई सारी चीज़ें बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देगा उस पर, ठीक है। तो आप आगे जाके इसके बारे में पढ़ोगे कि बाहर रखी हुई चीज़ अपने आप कैसे इन्फेक्ट हो सकती है, किसी चीज़ से इन्फेक्ट, ठीक है, यानी कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म अगर किसी चीज़ पे फीड करना शुरू कर दे, ठीक है, कोई बैक्टीरिया जैसा ऑर्गेनिज़म अगर किसी चीज़ पे फीड करना शुरू कर दे, यानी उससे न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दे, फीड करना शुरू कर दे, तो उसको हम बोलेंगे इन्फेक्ट करना, ठीक है, इन्फेक्ट करना, यानी बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर रहा है किसी चीज़ को। बैक्टीरिया को तो भाई उसको तो बना बनाया चीज़ मिल रही, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ पे वो अब वो चाहे वो आपका वेस्ट हो, वेस्ट डिग्रेड हो रहा है, वेस्ट इज़ गेटिंग डिग्रेडेड, यानी इट इज़ गेटिंग ब्रोकन डाउन सो दैट द बैक्टीरिया कैन एब्जॉर्ब सिंपलर फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। सिंपलर मतलब जितना छोटा होता जाएगा उतना सिंपल होता जाएगा, है ना, तो सिंपलर फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फॉर इट्सेल्फ एज वेल एज द सॉइल, ठीक है, दे रिलीज द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तभी हम बोलते हैं जो मैन्यूअर होता है, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया रिएक्शन करते हैं वेस्ट के साथ, वेस्ट प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर एक और चीज़ आपको मैंने बतानी है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखते हैं, कहने को तो आपको मैंने बताया था कि माइक्रो जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, लेकिन जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एक्चुअली अ सिंगल वर्ड, तो उसमें डबल ओ नहीं आता, उसमें एक ही सिंगल ओ आता है, सो यू स्पेल इट एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोलोगे, माइक्रोगेनिज्म, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोलोगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक ही ओ है इसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ओके। सो जो वेस्ट प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलकर बनता है मैन्योर। अब आप खुद समझो कि ब्रेक डाउन होने में बैक्टीरिया वेस्ट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया के साथ वेस्ट के साथ इंटरेक्ट करेंगे और बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स बनाएंगे, तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, कंज्यूमिंग का मतलब होता है बहुत टाइम लेता है कोई चीज़ अगर, ठीक है, काफ़ी टाइम लगता है उसमें, कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूम मतलब लेना, कोई चीज़ को लेना, ठीक है, कंज्यूमिंग, ओके, कंज्यूमिंग, तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। अब क्या है कि अब अगर आपने, मान लो आपके पास एक गार्डन है घर पे, और आपने वहाँ पे स्मॉल स्केल पे, ठीक है, आपको मैंने वही बताना था, स्मॉल स्केल, ठीक है, स्मॉल स्केल होता है मतलब छोटे लेवल पे, स्मॉल स्केल मतलब अगर आपने अपने घर के लेवल पे, अगर आपने अपने खुद के लिए आपने सब्जियां और फ्रूट उगाने हैं, तो आपको कोई इतनी जल्दी नहीं है फ्रूट्स और सब्जियां उगाने की, वो अपने टाइम से उगेंगे, आपको कोई इमरजेंसी नहीं कि आपको भाई आपको एक हफ्ते बाद ही फ्रूट चाहिए, आपको एक हफ्ते बाद ही उगी हुई वेजिटेबल्स चाहिए, आपने आज सीड बोया आपको एक हफ्ते बाद ही मिल जाएगा, नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। या आप मान लो एक महीना तो लगता है, तो आपको एक महीने में भी बैक्टीरिया कई बार नहीं, आपको बैक्टीरिया तो रिएक्शन करके सिर्फ सॉइल में न्यूट्रिएंट्स लेकर आएगा, रूट्स उसे अपटेक करेंगी और फिर धीरे धीरे उसके अंदर रिएक्शन होएगा, धीरे धीरे प्लांट बड़ा होएगा, है ना, और उसमें लीव्स पैदा होएंगी, फिर फ्रूट पैदा होएगा, एम आई राइट। तो क्या है कि उसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप उसमें रेडीमेड नाइट्रोजन डाल दो, यानी रेडीमेड ऐसी चीज़ डाल दो जैसे प्लांट फ्रेंडली नाइट्रोजन, दैट इज़ नाइट्रोजन इन अ कम्बाइंड फॉर्म, ठीक है ना, नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन के साथ कम्बाइंड होके या किसी चीज़ के साथ कम्बाइंड होके, ठीक है, वो कम्बाइंड फॉर्म हो जाता है, कम्बाइंड, या फिर ठीक है नाइट्रोजन किसी और चीज़ के साथ कम्बाइंड, जो प्लांट फ्रेंडली नाइट्रोजन होती है, ठीक है, अगर हम उसको एज इट इज़ सॉइल में प्लांट फ्रेंडली नाइट्रोजन डाल दें, तो जो टाइम बैक्टीरिया ले रहा है
वेस्ट को यानी मैन्योर बनाने में, वेस्ट को डिग्रेड करने में और उसमें से नाइट्रोजन लीच आउट करने के लिए, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन निकालने के लिए, ठीक है, खींच के निकालना, इज कॉल्ड लीचिंग आउट, लीच, आई एम सो सॉरी, इट्स लीच, LEACH, किसी चीज़ को खींच के निकालना। तो नाइट्रोजन या फिर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को वेस्ट में से निकालने में बैक्टीरिया को जितना टाइम लगेगा वो हमें माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया का कोई रोल ही नहीं है। हम लोग उसमें रेडीमेड प्लांट फ्रेंडली नाइट्रोजन डाल रहे हैं सॉइल के अंदर, तो प्लांट्स का आगे काम है वो रूट्स में से वो अपटेक करेंगे रेडीमेड नाइट्रोजन को और फिर वो अपना काम करेंगे, है ना। तो बैक्टीरिया का इसमें कोई रोल ही नहीं है, तो वो वाला टाइम हमारा बच गया, है कि नहीं। तो वो बोलते हैं फर्टिलाइजर्स का काम होता है, फर्टिलाइजर्स का, ठीक है, विच हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग प्लांट फ्रेंडली नाइट्रोजन इनटू द सॉइल, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछा था इज़ मैन्यूअर यूजफुल और फर्टिलाइजर्स, तो इसका आंसर ये होगा डिपेंड्स ऑन द टाइम दैट यू हैव टू गेट द प्रोड्यूस एंड द स्केल ऑन विच यू आर प्रोड्यूसिंग। स्केल, स्केल मतलब किस लेवल पे, यहाँ पे स्केल का मतलब वो स्केल नहीं है जो आप स्टेशनरी में यूज़ करते हो, वो वाला स्केल नहीं है ये, ठीक है। दिस स्केल इज़ अ लेवल एट विच यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, कोई चीज़ को आप बना रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको एक होता है स्मॉल स्केल, मतलब छोटे लेवल पे बनाना, अपने लेवल पे बनाना, घर के लेवल पे, ठीक है। एक होता है लार्ज स्केल, यानी बहुत सारे लोगों के लिए बनाना, जैसे आप खेती करते हैं आपके गांव में तो बहुत सारे प्लांट्स उगाते हैं वहाँ पे। अगर आपको सिर्फ अपने लिए उगाने होते हैं तो आप 5-10 उगा लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन खेत में क्या होते हैं, बहुत सारे हज़ारों प्लांट होते हैं वहाँ पे, है कि नहीं। तो इतने सारे प्लांट्स उगाने के लिए अब आप इतना सारा बैक्टीरिया कहाँ से लाओगे, पहली बात, ठीक है। और इनको इतना सारा टाइम नहीं होता है क्योंकि बहुत सारी जनता के लिए ये बनाया जा रहा है, ठीक है, जो आम जनता है उनके लिए बनाया जा रहा है, जो पब्लिक है उसके लिए बनाया जा रहा है, जो प्रोड्यूस है, जो दाल है, ठीक है, जो यहाँ से दाल निकलेगी वो फिर इंडस्ट्री में जाएगी, इंडस्ट्री में वो जो दाल फिर उसको हम लोग उसको और प्रोसेस करेंगे। मतलब बेसिकली क्या है कि जो आप प्रोड्यूस करोगे यहाँ से दाल या जो भी आप आटा, मतलब जो राइस है या फिर गेहूं के दाने, पिसेंगे पहले इंडस्ट्री में जाके, पीसा जाएगा उनको, उसके बाद जाके पब्लिक को आटे के फॉर्म में वो मिलेगा, जो आपको मिलता है आटा, ठीक है, गेहूं को पीस के आटा मिलता है। तो पहले आप खेती से गेहूं के जो दाने हैं वो जाएंगे इंडस्ट्री में, जहाँ पे चक्की होती है, बड़ी बड़ी चक्कियाँ होती हैं, ठीक है, उससे आटा निकलता है और फिर वो आपके घर तक आपको, मतलब जो शॉप्स हैं वहाँ पे आपको मिलता है, आप जाके ख़रीदते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि आप इसी तरह बहुत सारे शॉप्स में आपको ये आटा मिलेगा, सिर्फ एक ही शॉप में नहीं मिलेगा। तो आप सोचो कि इतनी सारी पब्लिक है, ठीक है, इतने सारे लोगों के लिए गेहूं के दाने, इतना सारा आटा बनाना है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को, हर एक बंदे को आटा चाहिए खाने के लिए, तो इतना सारा आटा बनाने के लिए इतने सारे गेहूं लगेगा, है कि नहीं। तो वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन बहुत सारे लोगों के लिए अगर बनाना है तो उसको लार्ज स्केल यानी बड़े लेवल पे, लेवल, ठीक है, छोटा लेवल, लेवल मतलब किस उस पे जा रहे हो, मतलब किस, बेसिकली एक लैडर है, ठीक है, एक सीढ़ी है, तो आप फर्स्ट स्टेप पे खड़े हो, सेकंड स्टेप पे खड़े हो, ये भी एक लेवल है, आप किस स्तर पे खड़े हो, ठीक है, किस स्तर पे आप खड़े हो उसको लेवल बोलेंगे, ठीक है, किस स्तर पे आप नीचे स्तर पे हो, या स्तर बेसिकली आप समझते हो जो हिंदी वर्ड होता है स्तर, ठीक है, स्तर यानी लेवल, स्केल, आप बड़े स्तर पे बना रहे हो या छोटे स्तर पे बना रहे हो, ठीक है। तो छोटा स्केल, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल पे, तो द क्वेश्चन इज जब स्मॉल स्केल पे आप बना रहे होते हो, अपने लिए बना रहे हो, आपको आजकल गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा चढ़ा है, गार्डनिंग करनी है, ठीक है, अपने फ्लावर्स आपने उगाने हैं, ठीक है, फ्लावर्स उगाने हैं, फ्रूट्स उगाने हैं, ठीक है, लेकिन आपको इतनी कोई जल्दी नहीं है, आपको इमरजेंसी नहीं कि भाई मुझे एक महीने बाद ही चाहिए, तो आप आराम से आप जो वेस्ट है आपका उसको आप सॉइल के अंदर बो दोगे, उसके अंदर डंप कर दोगे, ठीक है, एक पिट बना के सॉइल के अंदर आप उसके अंदर अपना वेस्ट डाल दोगे, वो धीरे 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 अंदर बायोडिग्रेड होता जाएगा, ठीक है, डिग्रेड होता जाएगा, ठीक है, बैक्टीरिया से और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलकर वो धीरे धीरे उसको डिग्रेड कर देंगे और फिर जो आप सीड उसमें बोगे वो अब्जॉर्ब करेगा प्लांट फ्रेंडली नाइट्रोजन और दूसरे, और जो पानी आप उसमें डालोगे, ठीक है, वो उसे फोटोसिंथेसिस करेगा और फिर धीरे धीरे वो बड़ा होएगा, ठीक है। तो जो चीज़ आप लार्ज स्केल में क्या कर रहे हो कि लार्ज स्केल में आपको बहुत ज़्यादा, आप डिस्टिंग्विश करो बिटवीन लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल, ठीक है, आपको टाइम फ्रेम का डिफरेंस होता है, आपको स्मॉल स्केल में आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप आराम से
उगा सकते हो सब्जियां, लेकिन लार्ज स्केल में क्या है, आपको एक तो बहुत सारी यील्ड चाहिए, यील्ड चाहिए नहीं, बहुत सारा प्रोड्यूस चाहिए, यील्ड, ठीक है, मतलब कितना उसका टोटल, कितना आपके पास गेहूँ आ रहा है, टोटल कितना गेहूँ आ रहा है, ठीक है, वो आपको मैं बाद में आराम से समझाऊंगी यील्ड क्या होता है, इतना समझ लो कितना टोटल आपके पास अमाउंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कितना गेहूँ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो आपको लार्ज स्केल में ज़्यादा चाहिए होगा गेहूँ और स्मॉल स्केल में कम चाहिए होगा, प्लस लार्ज स्केल में आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, ठीक है, आपको मान लो सिर्फ 2 महीने मिले हैं, आपको बहुत सारे लोगों के लिए आपको गेहूँ उगाना है, ठीक है, और बहुत सारा गेहूँ उगाना है, तो उसके लिए जो बैक्टीरिया है वो काम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ही स्लोली डिग्रेड करता है, तो उसके लिए हम लोग रेडीमेड नाइट्रोजन डालते हैं, रेडीमेड फॉस्फोरस डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स, थ्रू फर्टिलाइजर्स, ठीक है, रेडीमेड प्लांट फ्रेंडली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस डालते हैं थ्रू फर्टिलाइजर्स, ठीक है, लेकिन अगर फर्टिलाइजर्स हम ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दें तो इट विल एक्ट एज टॉक्सिन्स, ठीक है, टॉक्सिन मतलब पॉइजन, जहर, ठीक है, वो फिर प्लांट्स के लिए पॉइजन यानी जहर क्रिएट कर देगा, तो प्लांट्स को वो उगाने की जगह मार देगा, ठीक है, ठीक है, तो और साथ में ये सॉइल के लिए भी अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए अगर आपको फर्टिलाइज़र यूज़ करना ही है तो कम से कम क्वांटिटी में यूज़ करो, उतने में ही करो जितना उसके लिए सफिशिएंट है, यानी जितना उसके लिए काफ़ी है, ना ही कम ना ही ज़्यादा, ठीक है, जो आपको मैंने ऑप्टिमम वर्ड बताया था, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब ना ही कम ना ही ज़्यादा, ठीक है, तो आपको फर्टिलाइजर्स ऑप्टिमम क्वांटिटी में यानी ऑप्टिमम अमाउंट्स में डालने हैं। ऑन द अदर हैंड मैनुअल के केस में आप आराम से चल सकते हो, आप यू कैन बायोडिग्रेड होएगा, दो वेस्ट मैनुअर बनेगा, ठीक है, मैनुअर बन के उसके बाद फिर आप उसके जो आप उसमें सीड उगाओगे वो फिर धीरे धीरे प्लांट बन जाएगा, ठीक है, तो दिस इज़ वाई हम बोलते हैं कि अगर आपको स्मॉल स्केल पे उगाना है तो आप मैनुअर यूज़ करो एंड नॉट फर्टिलाइजर्स, क्योंकि मैनुअर का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, मैनुअर कैन नेवर बी टॉक्सिक, मैनुअर कैन नेवर बी पॉइजनस टू द प्लांट, ठीक है, चाहे आप कितनी भी क्वांटिटी में डालो इट कैन नेवर बी पॉइजनस टू द प्लांट, तो इसलिए ऑलवेज मैनुअर इज़ बेटर, और प्लस हम लोग गार्बेज भी यूज़ करते हैं उसमें, राइट, तो मैनुअर इज़ ऑलवेज बेटर, ठीक है, लेकिन अगर आपको लार्ज स्केल पे उगाना, आपके पास टाइम कम है, तो आपको फर्टिलाइजर्स लगेंगे, ठीक है, एक और चीज़ आपको मैंने बतानी थी, ठीक है, अभी 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 के लिए आपके लिए इतना ही है, फिर मैं आपको आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी, दरअसल